एंड में, क्योंकि अगर हम लोग आपका नाम नहीं देख पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन मीन सॉरी आपका अटेंडेंस नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज है, अगर आप वो रीनेम करना नहीं जानते हैं तो चैट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिए, हम लोग अपनी तरफ से आपका नाम चेंज कर देंगे आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग का ये हमारा ये पहला दिन है, और पहली कोविड एको अब लाइक आई सेड हम लोग 16 वीक्स से चल रहे हैं, और वी हैव अ ह्यूज पूल ऑफ फैकल्टी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री जो अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं ताकि ये कोर्स हम ज़्यादा लोगों को ले पाएं। और नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर रजनी सुरेंद्र भट्ट एंड डॉक्टर राजम अय्यर हु विल बी योर फैकल्टी फॉर टुडे एंड हु सर्टनली स्पीक अ लॉट बेटर हिंदी देन आई डू। सो रजनी, ओवर टू यू एंड राजम, इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू द इंट्रोडक्शंस एंड द लेआउट ऑफ दिस द फॉर्मेट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम and then move into today's session. Thanks a lot. मैं डॉक्टर राजम को पहले इनवाइट करूंगी और फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सेशन शुरू कर दूंगी। सो डॉक्टर राजम, प्लीज आप सभी का स्वागत करें हम सभी की तरफ से। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन हम ज्यादातर हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे स्मृति ने बताया डॉक्टर रजनी का हिंदी डेफिनेटली बेटर है। हम ट्राई डेफिनेटली करेंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम जरूर इंग्लिश में बोलेंगे। एंड ये जो चैट बॉक्स है, जो स्मृति ने जैसे कहा कि आपका नाम एंटर करे, वही चैट बॉक्स प्लीज आपके थॉट्स, सजेशंस, आपके विचार, आपके कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करते जाए। जैसे डॉक्टर रजनी अपना लेक्चर देंगी, आप आपका थॉट्स और ये शेयर करते जाइए, वो मैं पढ़ती जाऊंगी और एंड में हम एक डिस्कशन करेंगे। मैं मानती हूँ कि ये एक फर्स्ट सेशन है, बट हम एनकरेज करेंगे कि आप और हम दोनों साथ में इस जर्नी में सीखें। हम अगले 5 दिन साथ में रहेंगे और एक पेशेंट और उसके परिवार के साथ इस पूरा जर्नी को खत्म करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक। तो आपसे यही उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, ताकि हम, मैं और सब फैकल्टी मेंबर्स आपसे सीखें, और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि मैक्सिमम हम आपके साथ शेयर कर पाएं। और इस 5 दिनों के लिए ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि आजकल ये महामारी के टाइम आपका वक्त निकाल के इसमें आना भी बहुत मुश्किल होगा, बट थैंक यू वंस अगेन एंड आई होप यू एंजॉयड। आप इतना ही मजा लें जितना हमें मजा आता है आपसे बात करके और आपसे मिलके। तो थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम टू द वीक ऑफ लर्निंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजम। मेरा नाम डॉक्टर रजनी सुरेंद्र भट्ट है, और डॉक्टर राजम अय्यर की तरह मैं भी एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारा जो स्पेशलिटी का एरिया है वो फेफड़ों के डिसीजेस के साथ मेन वही इश्यू है। लेकिन हम दोनों पैलिएटिव केयर में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इसी डायरेक्शन में हम अपनी आगे पढ़ाई और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज स्मृति जी से पूछा कि कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस बार तो इस हफ्ते के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत अलग अलग जगहों से लोगों की रजिस्ट्रेशन आई हैं। तो हमारे साथ हैं बहुत सारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, अदर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं, पब्लिक सेक्टर से लोग हैं, एनजीओ से लोग हैं, जो कई लोग हैं जो अपने आप की खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल से, महाराष्ट्र से और उत्तराखंड से। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद कि जैसे डॉक्टर राजम ने कहा कि आपके बिजी प्रैक्टिस के बीच में आप ये समय निकाल रहे हैं ताकि आप हमारे साथ में कुछ डिस्कस कर पाए। और ये जो हम आज अगले एक हफ्ते में इस दोपहर के एक घंटे में जो हम डिस्कस करेंगे, इससे शायद आपके पेशेंट्स को और आपको कुछ फायदा मिल सके इस बहुत ही कठिन समय में, जब हम सभी इस कठिन समय से गुजर रहे हैं जो अभी तक किसी ने दुनिया में देखा ही नहीं है। ऐसी महामारी, इतना कष्ट, ये सारा तो हुआ था एक ऑलमोस्ट 100 साल पहले ही पिछली दुनिया में। तो हम इसे, कोई जो मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहा है, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप इस मुश्किल से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं हिम्मत के साथ, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ शेयर कर पाएं जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो लर्निंग है हमारे सीनियर्स की, जिन्होंने सब ने एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है।
तो शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम के साथ में। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना शुरू करूंगी और बात करते करते आगे बढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? यस मैम। ओके थैंक यू जी। तो आज हम शुरू करेंगे, सॉरी वन सेकेंड, आज का जो मेन मकसद है कि हम एक आइडिया पालें कि इस एक हफ्ते में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कि ये इन 5 हफ्तों में हम पूरा का पूरा तो पढ़ा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके लिए टूल किट जैसे बन जाए जिससे हमेशा आपको कुछ, आपके पास कुछ मटेरियल रहे जो आप कभी भी जब भी चाहें आप इसके इसको देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं और यहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। ये भी बताया जाए कि आपको जो ये मटेरियल मिलेगा आपके ईमेल में मिलेगा या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स आपके रिसोर्सेज के लिए दी जाएंगी उस पे ये मटेरियल जो है वो हर 2-3 महीने में हम अपडेट करते रहेंगे ताकि जैसे हमें और जानकारी मिलती है इस महामारी के बारे में हम हमारे गाइडलाइंस और हमारे जो सॉल्यूशंस हैं एल्गोरिदम्स वर्कफ्लो के जो आपके लिए जो सुझाव हैं वो हम मॉडिफाई करते जाएं ताकि आपके लिए और फायदेमंद रहे। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो किसी ने कभी देखा नहीं है तो एक ऐसा रिसोर्स मिलना चाहिए सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को जिससे उन्हें ट्रेनिंग मिले, जिससे उन्हें सहारा और सपोर्ट मिले और जिससे उन्हें लगे कि उनके पास वो सारी नॉलेज है, वो सारी जानकारी है जिससे वो अपने पेशेंट्स की देखभाल अच्छे से कर पाए। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हम एक ऐसा होलिस्टिक केयर जो कहते हैं, केवल ही मर्ज नहीं लेकिन मरीज और उनके फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए भी हम एक सहारा बन पाए, उनके लिए जो COVID-19 से पीड़ित हैं, जो अफेक्टेड हैं, जिनकी हालत बुरी हो रही है, जिनके लिए ट्रीटमेंट का फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मरीज हैं जिनको COVID-19 नहीं है लेकिन उनको दूसरी बीमारियां हैं, शायद वो हार्ट के तकलीफ के मरीज हों, शायद उनको ट्यूबरकुलोसिस हो, शायद वो गर्भवती महिलाएं हों और उनको मेडिकल केयर मिलने में दिक्कत हो रही है, उन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। और एक दूसरी बात हमने एड्रेस करना है वो ये है कि जैसे मैंने कहा ये एक बहुत ही कठिन समय है जो हम सब देख रहे हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हम सभी हैं, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एम्बुलेंस वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, ANMs हैं, MPWs हैं, ये सभी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भाई बहन हैं ये सभी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं और उनपे उनकी सेहत पे भी इम्पैक्ट होता है। तो हम कैसे सपोर्ट कर पाएंगे सभी को ये हम देखने वाले हैं इस टूल किट के जरिए। हम देखना चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि इन 5 दिनों में आप ये समझ पाए कि ये जो टूल किट है आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 1 घंटे के सेशंस हैं जहां हम डिस्कस करेंगे वो एक बात है, लेकिन आपके टूलकिट में आपको एक ईबुक भी मिलेगा, आपको वेबिनार्स भी मिलेंगे और वीडियो वॉइस ओवर के साथ में पावर पॉइंट्स भी मिलेंगे। इनके जरिए आपको ये समझ में आएगा कि इस महामारी का असर कितना हुआ है दुनिया पे और कितनी पीड़ा बढ़ी है दुनिया में, और ये समझ पाएंगे हम कि एक होलिस्टिक यानी कि एक पूरा कंप्लीट एक संपूर्ण की जरूरत है जो हर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे जो पेशेंट और फैमिली पे बीत रही है। दूसरी बात हम ये सीखना चाहेंगे कि हम ऐसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं पेशेंट्स और उनके फैमिलीज के साथ में ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए, ताकि वो समझ पाए कि हेल्थ केयर सिस्टम की भी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं। और एक गोल सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि हम निर्णय कैसे लेते हैं, पेशेंट केयर में गोल्स कैसे सेट करते हैं, ये एथिक्स का फ्रेमवर्क जो होता है और जो एल्गोरिदम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उनको समझ पाए कि हम पता कर पाए कि पेशेंट के लिए कौन सा केयर उचित होगा। आपके टूलकिट, आपके ईबुक में एसेंशियल मेडिसिंस की भी लिस्ट है, डोजिंग के साथ में, यूसेज के साथ में, तो ये हमेशा आपके लिए रेडी रेफरेंस के लिए रहेगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ याद कर लेना, ये एग्जाम नहीं है, जिंदगी ने हमारे सामने हमको दे दी है इस महामारी के जरिए। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा जहां पे आपके साथ ये सारे चीजें हैं, उपलब्ध हैं, वो आप हमेशा अपने साथ में रखें और यूज कर पाएं और हर 2-3 महीने में अपडेट करते हैं।
हम ये भी देखना चाहेंगे कि हम सभी की ये समझ बढ़ जाए कि हम एक दूसरे के कॉलिग्स को, हमारे मित्रों को, हमारे साथियों में अगर हम डिस्ट्रेस देखें, अगर उनमें हम दुख पीड़ा देखें जब वो ये सर्विस कर रहे हैं पेशेंट्स और कम्युनिटीज की, तो उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको कैसे सपोर्ट करें. जो पेशेंट्स और जो फैमिलीज कोविड 19 से पीड़ित हैं और जिनका इलाज अब शायद इस हद तक पहुंच गया है कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, तो फिर एक बहुत ही जरूरी पार्ट हो जाता है हेल्थ केयर का कि हम उनको कंफर्ट केयर, उनको हम एक शांति से गुजरने की भी के लिए भी केयर अच्छे से करें. तो ये समझना बहुत जरूरी है और ये लाइफ के अंतिम मोमेंट्स में जो फैमिली पे बीती है, जो पेशेंट पे बीती है, अगर वो अपने परिवार वालों के साथ में नहीं रह पाते, तो ये अकेलापन जो कोविड में आ गया है, मरीज अपने अपने फैमिली से दूर है, परिवार वाले अपने और बाकी परिवार वालों से, दोस्तों से दूर है कि वो अपना शोक भी साथ में नहीं मना सकते, किसी का सहारा नहीं ले सकते. तो ये सारे चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे अगले 4-5 दिनों में और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे हम अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाएं ताकि हम कंपैशनेट केयर, कंपैशन का मतलब होगा कि हम सहानुभूति के साथ में, हम बहुत एक केयरिंग तरीके से पेशेंट्स और फैमिलीज के साथ में हम उनको उनकी देखभाल कर पाए. तो इसमें हमने थोड़े मेन कॉम्पिटेंसीज, ये जो ग्रुप था, जो कोर ग्रुप था पहली कोविड केरला अलायंस का, बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स अलग अलग फील्ड से, इंटरनल मेडिसिन, एनेस्थीजियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर फिजिशियंस, इन सभी ने मिलके एक बड़ा सा टूल किट, एक ईबुक तैयार किया है और इसपे उन्होंने काफी सोच विचार किया, रिसर्च किया और देखा कि कौन से सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज होंगे जिनकी जानकारी सभी को हासिल होनी चाहिए, जिसके बारे में हम सभी को नॉलेज मिलनी चाहिए. और ये की डोमेन्स जो हैं, जो मेन एरियाज हैं जिसपे हम फोकस करना चाहेंगे, वो है ट्रायज, जिसका मतलब होता है कि हम ये समझ पाए कि कौन से पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट उचित है. इसके बारे में मैं और बात करूंगी थोड़ी देर में. सिम्टम कंट्रोल, यानी कि अगर हम किसी मर्ज का इलाज भी नहीं कर पाए लेकिन उस डिसीज के वजह से जो दुख दर्द पीड़ा पेशेंट महसूस कर रहा है उसे हम कम कर पाए, तो सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाए. मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, जो एक मानसिक तौर पे, एक इमोशनल तौर पे हम पे जो पीड़ा जो हम महसूस कर रहे हैं उसके लिए कैसे सपोर्ट दिया जाए. और जो पेशेंट अपने लाइफ के अंतिम दिनों में है वो पेशेंट और उनकी फैमिली के लिए कैसे सपोर्ट हम दें. और जो हेल्थ केयर वर्कर इन बहुत ही कठिन सिचुएशंस में केयर दे रहा है पेशेंट और फैमिली को, उनके लिए हम सहारा कैसे प्रोवाइड करें. तो ये सारी चीजें हम मेनली डिस्कस करना चाहेंगे अगले 4-5 दिनों में. इन 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 सब्जेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए आपके पास जो चीजें हासिल है वो है ईबुक, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज से लेकर शुक्रवार तक, और आपके पास वेबिनार्स भी हैं, आप इत्मीनान से आराम से सुन सकते हैं, ये और लंबे हैं. आज के सेशन में जो जितना हम डिस्कस करेंगे, जितने स्लाइड्स हैं, उससे ऑलमोस्ट दुगना आपको वेबिनार्स में मिलेगा. तो कोई भी इश्यू अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ईबुक और वेबिनार को जरूर देखिएगा. अगर आपका इंटरनेट का बैंडविड्थ कम है तो आप वॉइस ओवर पावर पॉइंट भी कर सकते हैं, तो वो वाले प्रेजेंटेशंस भी हैं आपके लिए अवेलेबल हैं आपके रिसोर्स टूल किट में. तो हमारा मकसद होगा इस सेशन में कि ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो पढ़नी है, तो हम सारा का सारा तो 5 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उस पर थोड़ा हम इंटरेक्शन करें, थोड़ा डिस्कशन करें. और जो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो एड्रेस करना है उसको हम पॉइंट करें. तो इस साइन पोस्टिंग कहते हैं कि हम बता दें कि हाँ ये है और आपकी बुक में आपको यहाँ मिलेगा, ये एल्गोरिदम यहाँ मिलेगा, ये रिसोर्सेस आपके पास में है. हम आपको एनकरेज करेंगे, हम चाहेंगे कि आप अगर हो सके तो एक दिन पहले ही वो जो वेबिनार जो आपको मिलेगा वो अगर आप एक दिन पहले ही सुन लें, तो फिर आप जब अगले दिन आएंगे हमारे सेशन के लिए तो आपके पास जो भी सवाल होंगे आप लेके आएंगे. इससे ये सेशन दोनों तरफ से हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद बन जाएगा.
क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हमने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं वो आपके एरिया के लिए उचित हैं कि नहीं, या आपके कोई आपकी कोई सीख होंगी जो आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे और अगले बैच में हम औरों के साथ भी शेयर कर पाए। तो ये आप सीखेंगे और ऐसे ये जो रिसोर्स है ये बढ़ता जाएगा सभी लोगों के लिए। तो ये सारे जो एल्गोरिदम्स रिसोर्सेज हैं ये सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोकल सेटिंग में भी। आप आए हैं सीखने के लिए, आपके आप औरों को भी सिखा सकते हैं आपके सेटअप में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी कम्युनिटी में। तो ये है मकसद इस टीचिंग सेशन का। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ में कि पैलिएटिव केयर COVID-19 में क्या होता है। तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना, दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि किसी ने लोग शायद एक दो लोग अगर चैट बॉक्स में आंसर दे पाए तो डॉक्टर राजम हमें हेल्प करेंगी कि वो बताएं, आप शेयर करें आपके आंसर्स कि आप में से कितने लोगों ने पैलिएटिव केयर के बारे में सुना है, पढ़ा है या प्रैक्टिस किया है, आपकी उसकी समझ क्या है कि कब ये हम लागू करते हैं पैलिएटिव केयर, और अगर आप ये वर्ड जो है सफरिंग उसके लिए मुझे थोड़े पर्यायवाची दे पाए ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी फीलिंग क्या है इस सब्जेक्ट की तरफ। तो मैं अभी 15 सेकंड 20 सेकंड रुक जाऊंगी ताकि आप थोड़े आंसर्स चैट बॉक्स में दे पाएं। सो इन द व्हाट रजनी, थोड़ी देर पहले मैंने ये पूछा था कि कितने लोग कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो देयर वाज एक ही रिस्पांस थे फ्रॉम अनीता, बाकी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो जैसे ही आपको वक्त मिले या आपको सोच के करना है, दैट विल बी गुड कि आप लोगों में से कितने लोग कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं और इस कोविड पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करते टाइम क्या कठिनाइयां महसूस करते हैं, घर पे, काम पे, आप जहाँ रहते हैं वहां पे, आपके दोस्त फ्रेंड्स के साथ वहां पे कुछ कठिनाइयां महसूस करते हैं या नहीं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी हो, अगर शेयर करना चाहें। और जैसे अभी डॉक्टर रजनी ने पूछा कि पैलिएटिव केयर के बारे में आपके क्या विचार है, क्या आपने कुछ सुना है इसके बारे में, तो थोड़ा हमको आपके विचार आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रजनी, ओवर टू यू। I'm just trying to see if I can also see the chat, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चैट एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। As of now, there are no responses, but I will keep you posted. अच्छा जी, ठीक है। तो पैलिएटिव केयर एक मेडिसिन का ऐसा फील्ड है जो वैसे अभी 1980s से पूरी दुनिया में प्रैक्टिस में है। तो पैलिएटिव केयर में हम इसको मानते हैं कि एक होलिस्टिक केयर, यानी कि हम पेशेंट को एक पूरे तरह से देखते हैं, केवल उनकी फिजिकल बॉडी और उनकी फिजिकल इलनेस जैसे ही, लेकिन पेशेंट एक इंसान जो है उनके हर डायमेंशन से, फिजिकल, मेंटल, साइकोसोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे डायमेंशंस को हम देखते हैं। और जो पीड़ा, जो सफरिंग, जो दुख हम महसूस करते हैं वो केवल हमारे फिजिकल डिसीज के वजह से नहीं होता है, ये इन सारी चीजों से होता है। हम अपने फाइनेंसेस के वजह से भी सफर करते हैं कभी कभी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे केयर में। और एक और बात जो है पैलिएटिव केयर में, वो है कि हम पेशेंट को एक अकेला यूनिट नहीं मानते, हम पेशेंट को सब परिवार मानते हैं, देखते हैं कि जो पेशेंट पे तकलीफ गुजरती है उसके वजह से परिवार वालों पे भी एक असर होता है। ये परिवार के डायनामिक्स के साथ कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिससे पेशेंट की जो पीड़ा है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो हमें देखना है कि ये पूरी तरह से, कंप्लीट तरह से हम एक होलिस्टिक तरह से हम एड्रेस करें कि क्या दुख पेशेंट झेल रहे हैं, क्या सफर कर रहे हैं वो, उनकी पीड़ा कहाँ से आ रही है, और इन सभी चीजों का हल हमें निकालना है। तो पहले जमाने में ये सोचा जाता था, एक कॉन्सेप्ट था कि पैलिएटिव केयर केवल उन लोगों के लिए है जो अभी लाइफ के एंड पे आ गए हैं, जो अभी जिनके लिए, जिनकी बचने की उम्मीद नहीं है। तो एक था कि क्यूरेटिव और रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, यानी कि हम पूरा पूरा इलाज करना चाह रहे हैं। तो अगर पूरी तरह इलाज नहीं कर पाएंगे और हम जान गए कि अभी अच्छा ठीक है इलाज नहीं हो सकता, तो हम सोचते हैं कि चलो पैलिएटिव केयर। एक और कॉन्सेप्ट था कि पैलिएटिव केयर का मतलब यही होता है कि दर्द दूर करना, यानी कि केवल पेन। लेकिन ये पेन का, पीड़ा का, दर्द का एक बहुत छोटा डेफिनेशन हो गया, क्योंकि जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि पेन हमारे इन सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, हमारे मानसिक सिचुएशन से, हमें आर्थिक सिचुएशन से, सोशल सिचुएशन से हमारा पेन बढ़ सकता है या घट सकता है। तो
जब तक हम इस पेन को एक टैलिटी में एक पूरी तरह से हम एड्रेस ना करें तब तक पेशेंट ठीक महसूस नहीं करेगा, उनको राहत नहीं मिलेगी उनकी दर्द से। तो पैलिएटिव केयर में ये हम मानते हैं कि केवल ट्रीटमेंट ही नहीं, ये ट्रीटमेंट जो डिसीज का ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ में हमें पेशेंट की पूरी सिचुएशन को एड्रेस करना है। केवल कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कुछ तकलीफ है, आप मान लीजिए कि उनको सांस में तकलीफ हो रही है या मान लीजिए कि उनको दर्द हो रहा है, तो फ्रैक्चर है, तो हड्डी टूटी हुई है, तो मैंने फ्रैक्चर सेट कर दिया, प्लास्टर में डाल दिया, लेकिन अगर दर्द को नहीं कम किया तो फिर तो वो ठीक नहीं किया। तो जो भी कंडीशन है उसे ट्रीट करना है, लेकिन उसके वजह से जो सफरिंग, जो पीड़ा पेशेंट महसूस कर रहे हैं उसे भी पूरी तरह से एड्रेस करना है। तो केवल हमें केवल डिसीज के बारे में नहीं, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए हमारे ट्रीटमेंट अप्रोच में। तो एक अप्रोच मान लीजिएगा कि एक तरीका है देखने का पेशेंट की प्रॉब्लम को, कि हम एक पूरी तरह से हम पेशेंट की प्रॉब्लम को देखें, जिसमें हम जैसे ही डायग्नोसिस मिलता है तभी हम डिसीज को भी ट्रीट करते हैं और पेशेंट की पीड़ा को भी ट्रीट करते हैं। ये तब तक चलता है जब तक डिसीज चल रहा है पेशेंट की बॉडी में या पेशेंट की लाइफ में, और ये मरण के बाद भी कंटिन्यू होता है, क्योंकि पैलिएटिव केयर में हम पेशेंट के परिवार को भी सहारा देते हैं। उस टाइम पे जब पेशेंट गुजर जाता है, उस टाइम पे जब वो शोक में है कि हमारा प्यारा जो पर्सन, प्यारा फैमिली का मेंबर है हमारे साथ में नहीं रहा, तो हम पूरी फैमिली को ट्रीट करते हैं। इस तरह से पेशेंट हमारा फोकस होता है, लेकिन पूरी फैमिली को हम अपनी ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। तो ये हुआ एक आइडिया की पैलिएटिव केयर क्या है। पूजा पीएचसी से भी आए हैं, दैट कप दो चार रिस्पॉन्सेज आए हैं जिन्होंने करेक्ट बताया था। एक ने बताया था कि पेन रिलीफ, एक ने बताया कि एंड ऑफ लाइफ केयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट स्पेशली फॉर दोज टूवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ। तो ये काफी आपके जो थॉट्स हैं काफी मैच होते हैं, बट जैसे डॉक्टर रजनी ने बताया इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ मृत्यु के वक्त ही नहीं, बट पहले से अगर हम इम्प्लाई करें, पहले से हम अगर अप्लाई करें तो पेशेंट, उनकी फैमिली को बहुत सहारा मिलता है। पेन के साथ साथ बाकी जो कठिनाइयां हैं, बाकी जो लक्षण हैं, जैसे सांस फूलना या एजिटेशन में रहना या उल्टी या कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो डिस्ट्रेसिंग लक्षण है पेशेंट के, वो भी हम नजर करते हैं। साथ में ही शारीरिक ही नहीं बट मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक जो भी कठिनाइयां हैं, ये हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की पीड़ा का प्रभाव जो है हम कम कर सके या शेयर कर सके, और पेशेंट और उनके परिवार को हमारे जैसे डिसीजन लेते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, वो भी साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं कि हम डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हो, हमारी सुनो, हम सही हैं, आप गलत हैं। तो ये हम अप्रोच थोड़ा बदल के सोचते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर किया है चैट बॉक्स में, पूजा है, आर्णव है, अनीता, सब बहुत थैंक यू, एंड ये जारी रखिए। ओवर टू यू रजनी। थैंक यू आप सभी के डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हम सभी एक ही पेज पे हों कि पैलिएटिव केयर क्या है और हम क्यों यहाँ पे इतना अपना हम इस हमारा फोकस क्या है अगले 5 दिनों में। ये बात है कि आप सभी लोग इस कोर्स में एनरोल हुए हैं, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कि आपकी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है कि आप लोगों की सफरिंग को कम करें। तो ये हमने देखा है कि अच्छा, पैलिएटिव केयर का केवल कैंसर में मतलब है या दर्द के सिचुएशंस में में ये मायने रखता है, ये पहले की सोच थी। तो ऐसा कहा जाता है कि कैंसर और दर्दनाक बीमारियों से तो दुनिया में 20% से कम लोग पीड़ित होते हैं। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि 80% लोग अपने अंतिम दिनों में या अपनी बीमारी झेलते हुए हमेशा पीड़ा में रहेंगे, सफरिंग में रहेंगे? तो ये सही नहीं लगता। तो जैसे डॉक्टर राजम ने भी कहा कि ये जरूरी है कि हम पैलिएटिव केयर का स्कोप बढ़ाते जाएं, और हर देश में यही एक कोशिश रही है पूरी दुनिया भर में कि हम पैलिएटिव केयर का जो अप्रोच है, जो प्रिंसिपल है, जो हर पहलू में ले आए। और ये हम ज्यादातर यहाँ पे ऐसा भी देखा है हमने कि जहां पे भी एक बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है, ये प्राकृतिक कोई सिचुएशन आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो वहां पे या एक या वॉर या जंग हो जाए, तो वहां पे जो रेफ्यूजीज होते हैं, एकदम डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका हेल्थ केयर जो है वो उनको मिलता ही नहीं है।
उस समय में उन पे जो बीतती है, यहाँ पे भी एक ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी पैलिएटिव केयर का बहुत बड़ा रोल होता है। रजनी, somebody has raised a hand. संध्या, आपको कुछ कहना है तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे। I don't know, कुछ कहना है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ जी, we'll address it towards the end. सॉरी रजनी। हाँ, नो वरीज, थैंक यू। तो ऐसा माना जाता है कि अभी हम सोचिएगा कि ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि बाढ़, भूकंप वगैरह जो हमने देखा है हमारे देश में भी, फिलहाल असम और कई जगहों में बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं बहुत सारी बारिश के वजह से। तो ऐसे सिचुएशंस में जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे एरियाज में हैं जहां पे आपको पेशेंट तक पहुंचना मुश्किल है। आप सोचिएगा कि अगर बहुत बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो जाए या बाढ़ आ जाए और लोग कैंप्स में हैं, अपने घर से दूर हैं, उनको रिफ्यूजी कैंप्स में डाला गया है, डिस्प्लेसमेंट कैंप्स में डाला गया है, तो वहां पे मेडिसिन प्रोवाइड करना कितना मुश्किल होता है। अब COVID-19 के वजह से काफी लोग एक सिमिलर सिचुएशन में आ गए हैं, जहाँ पे वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जहाँ पे वो अपने घर में नहीं हैं, जो अपने परिवार से दूर हैं और बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, उनको बहुत स्ट्रेस वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एरियाज हैं कि पूरी दुनिया में आप मान लीजिए कि ऐसा क्राइसिस आ गया, जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया, तो ऐसा हो गया कि एक देश या एक प्रदेश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में, अभी जैसे ये वर्ड यूज किया गया सुनामी ऑफ सफरिंग, तो एक ऐसे एक बहुत ही बड़ी लहर के जैसे सब जगह पर जहां पे हम काम कर सकते हैं वो है कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो इसी से हम अपने पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को थोड़ी सहायता रिलीफ पहुंचा सकते हैं। जो सांस की तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जो एजिटेटेड हैं, जो दर्द में हैं, जिनको सही इलाज या जिनकी जो भी हम इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनके बचने की उम्मीद नहीं है, उनको एटलीस्ट हम दर्द से दूर ले आ पाएं और हम एक स्पिरिचुअल कंफर्ट भी प्रोवाइड कर पाएं और उनके अंतिम दिनों में उन्हें थोड़ी थोड़ी सहायता सहारा दे पाएं। तो ये सारी एरियाज होंगी हमारी फोकस की अगले थोड़े दिनों में। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकग्नाइज किया है, ये जाना है और ये कहा भी है, ये बहुत जरूरी है कि हम सभी देशों के सरकार को पैलिएटिव केयर देना चाहिए अलोंग विद टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो हम जानते हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, ये सारे हमारे गोल्स, ये सारे बज़वर्ड्स थे कोविड के रिस्पांस में। आप सभी लोग जो कोविड पेशेंट्स के साथ में काम कर रहे हो, आपको मालूम है, आप कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे होगे, आप क्वारंटीन आइसोलेशन के गाइडलाइंस पढ़ रहे होंगे, आप ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। WHO ने माना है कि हमने देखना है कि जो लोग पहले से ही दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो एट रिस्क प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, एसेंशियल वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ये जो हैं, इनको थोड़ा स्पेशल हम अटेंशन दें, क्योंकि उनकी वो ज्यादा उनको ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, उनकी सफरिंग बढ़ने की ज्यादा संभावना है। तो ये पैलिएटिव केयर इन कोविड WHO की भी गाइडलाइन है कि हर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ये तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, इतनी सारे रेफ्यूजी कैंप्स हैं जहां पे लोग भूखे हैं, उनको एक्सेस नहीं है। आप सोचिएगा कि मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि काफी लोग जेल में हैं, अभी जेल के कंडीशंस में आप सोचिएगा कि अगर वहां पे कोविड की तकलीफ हो जाए किसी को तो कितनी जल्दी फैल सकता है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग कंडीशंस में जी रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई देशों में जंग है, सीरिया से रेफ्यूजीज, बहुत सारे देशों से रेफ्यूजीज समुन्दर पार करके यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अपनी जान गंवा देते हैं। तो लोगों के लाइफ में बहुत दुख है और उसके साथ साथ में आ गया ये एक और COVID-19। और हम देख रहे हैं कि ऐसे रेफ्यूजी कैंप्स में भी लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सारे गाइडलाइंस फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ये सारे चीजें। इन एरियाज में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं अपना काम जारी रख रही हैं ताकि हम COVID-19 के टाइम में भी लोगों की सहायता कर पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हो गई कि हम केयर करें लोगों के लिए, जो भी कंडीशन हो, हमारी लाइफ में कठिनाई है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे और ज्यादा दुख बीत रही है और हम कोशिश जारी रखें कि उनकी मदद हम कर पाए, कैसे कर पाए। तो हमने देखा है कि जितना दुख हम देख रहे
है दुनिया में, उसके साथ साथ में हम इंसानियत के इतने सारे उदाहरण देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, कि वो अपने घरों में खाना बना के बांट रहे हैं उनके साथ में जो जिनके पास खाना नहीं है, जो बेघर हो गए हैं। और इतने डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स, आपने सुना होगा लोग जो जिनकी परिवार नहीं आ पाई अंतिम तिथि के लिए, तो कम्युनिटी के वॉलंटियर्स आके ये सारे लास्ट राइट्स करा रहे हैं। तो लोगों की इंसानियत अब देखिए कि उनका उन्होंने अपने दिल खोल के लोगों की सफरिंग को कम करने की कोशिश कैसे की है। तो हम इन सभी लोगों से और अपने ही काम में हम देख सकते हैं कि कितना इंस्पिरेशन हम लेके आ सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते। एक डॉक्टर जो न्यूयॉर्क में थी, उन्होंने कहा कि अब ऐसा हो गया कि हर एक डॉक्टर पैलिएटिव केयर डॉक्टर बन गया है। ये एक ऐसा सोचा जाता कि पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स केवल उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये डॉक्टर जो इंटरनल मेडिसिन हॉस्पिटलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा कि अब ये ट्रेनिंग अगर उनके पास होती, पैलिएटिव केयर की ट्रेनिंग, तो वो अपने पेशेंट्स को और सहारा दे पाती। तो उन्होंने अपने आप को कम पाया वहां पे और ये कहा कि हर डॉक्टर पैलिएटिव केयर डॉक्टर है, हम सभी को एज हेल्थ केयर वर्कर्स पैलिएटिव केयर डॉक्टर, पैलिएटिव केयर नर्स बनना पड़ेगा, ताकि हम सीख पाए कि हम अपने पेशेंट्स को उनको उनकी सहायता कैसे करते हैं, जो उनका जो आत्मसम्मान है उसको प्रिजर्व करते हुए, उनके जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व करते हुए, उनके वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए। तो ये हर एक पेशेंट के लिए अलग होगा और इसके लिए हमने सुनना है, कम्युनिकेट करना है पेशेंट्स और उनके फैमिलीज के साथ में। तो बेसिकली ये एक बात हुई कि ये जो महामारी आई है, ये जो पीड़ा सभी लोग जिसके थ्रू सभी लोग गुजर रहे हैं, ये हमें बताता है कि हम सभी अपने इंसानियत से जुड़े हुए हैं। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और ये जो पैलिएटिव केयर का अप्रोच है, ये हम मानते हैं कि हम इस एक कॉमन जो कॉमन चीज है ना, कि सब लोग पे यही दुख, यही दर्द बीतती है अपने लाइफ के एंड में, या अगर वो सफर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भूखे को या पीड़ित को देखते हैं तो आपके मन में, आपके दिल में ऑटोमेटिकली एक इच्छा जागती है कि मैं उनकी मदद करूं। तो ये हमारी जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, यही होता है पैलिएटिव केयर का मेन प्रिंसिपल, कि हम लोगों के का दर्द दूर करें और उनकी डिग्निटी, उनका आत्मसम्मान, उनके वैल्यूज बनाए रखें। तो यही होगा हमारा अप्रोच अगले थोड़े दिनों में। और इसके साथ में मैं शुरू करूंगी ट्रियाज के बारे में। अगर एक मैं 15 सेकंड का ब्रेक लूंगी ये देखने के लिए कि आपके कोई विचार आप शेयर करना पाएंगे जो आपने देखा हो आपके प्रैक्टिस में, आपको आपने कुछ बहुत अच्छा देखा होगा, शायद आप शेयर करना चाहें कि किसी की स्पेशल एफर्ट से किसी को कुछ राहत मिली या ऐसा कुछ जो आपने देखा है। जैसे मैंने बताया, इस दुख, इस पीड़ा के साथ में हमने इंसानियत की बहुत अच्छा पहलू भी देखा है। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। रजनी, अनीता जी ने लिखा था कि सिर्फ शारीरिक तकलीफ कम करना ही इनफ नहीं है, और बाकी पेशेंट्स के मानसिक और बाकी जो परेशानियां हैं उसका भी सहारा बनना बहुत जरूरी है। और मैंने उनसे ऐसे लिखा है चैट बॉक्स में कि आप लोग सब जरूर मानेंगे कि प्यार और सहारा से कठिन सिचुएशन, परिस्थिति थोड़ा आसान बन जाता है। हालांकि हमें मालूम है कि ये महामारी जो है उसका जो एंड डेट है, कभी संपन्न होगा, कैसे होगा, कितने लोग मरेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि रोज हम काम पे जाते हैं तो हमें क्या मोटिवेट करता है काम पे जाने की, घर आके भी टेंशन रहता है क्या, ये सब डेफिनेटली परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने है। बट इस महामारी में, इस कठिन परिस्थिति में हम एक दूसरे से कैसे अपनापन, कैसे सहारा बनके, कैसे ये पूरा जो साथ है ये कैसे थोड़ा और कम तकलीफदायक देके थोड़ा और आसान कर सके, पेशेंट के लिए, फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए, यही उद्देश्य है इस पांचों दिन का। ओवर टू यू रजनी, नो रिस्पॉन्सेज येट ऑन द चैट। थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन। तो ये तो था कि हम इस अगले 5 दिन में क्या करना चाह रहे हैं। तो आज का पहला सेशन जो है वो है ट्रियाज इन कोविड-19 विद स्पेशल रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ एथिकल इश्यूज।
और मैं जानती हूँ कि ये सारे जो थोड़े जो सिचुएशंस हम आगे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ये सब आप तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिस में देख चुके हैं, और इसके वजह से आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठे हैं। तो पहले शुरू करते हैं ट्रियाज के साथ में। ट्रियाज का मतलब क्या होता है? वैसे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर मोयरा लैंग को, जिन्होंने ये स्लाइड्स बनाए हैं, जिनका ये मेन टॉपिक है। वो ये पहले कोविड टीम की कोर जो कमिटी है, जिन्होंने बनाया है ये सारा कंटेंट हमारे लिए। मैं उनकी तरफ से ये वाला प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ताकि आप सभी को मैं ये जा सकूं। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे कि ट्रियाज क्या है और एथिकल इश्यूज इसमें क्या आएंगे। तो पहले समझ लें कि ट्रियाज होता क्या है। तो ट्रियाज होता है कि हम जो पेशेंट्स गंभीर बीमारी से झेल रहे हैं उनको एक तरह से छांटना और डिसाइड करना कि कौन एडमिट होगा, कौन घर पे रहेगा, किसको आईसीयू की जरूरत है। तो मान लीजिए कि मुझे अचार बनाना है और मुझे छोटे आम के अचार बनाना है, और तो मैं आम लेके आऊंगी, देखूंगी कि कौन से अच्छे हैं, कौन से ठीक नहीं है, कौन से अचार में जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे। तो हम सभी लोग ये छांटना रोजाना के लाइफ में करते हैं कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये थोड़ा पक गया है इससे मैं जैम बना लूंगी, ये पका नहीं है इससे मैं अचार बना लूंगी, ऐसे। तो ये सारे जो डिसीशंस होते हैं, आम तो आम ही है लेकिन अलग अलग जगह जाएंगे वो। तो आप एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मान लीजिएगा, लेकिन मेन चीज क्या होता है कि हर COVID-19 पेशेंट जो है वो एक नहीं होता, वो समान नहीं होते। कई पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ही बीमार हैं, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है और वो शायद और सीरियस हो जाएं या थोड़े ठीक हो जाएं। तो ये एक इन बिटवीन जोन भी आता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं हो रही, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, 80-85% को कोई तकलीफ नहीं है, हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं है, 15% को हॉस्पिटल की जरूरत होगी, 5% को आईसीयू की जरूरत होगी, 1-2% को वेंटिलेटर की जरूरत होगी। तो ये कौन निर्णय लेगा और किस पेशेंट को कहां भेजा जाएगा, इसका कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो ये जो होता है ये हमारे मेडिकल एथिक्स के सिस्टम होता है। तो ये मेडिकल एथिक्स का जो फ्रेमवर्क है, इसके जरिए हम ट्रियाज करते हैं, छांटते हैं कि कौन से पेशेंट को घर पे रहना चाहिए या आइसोलेशन सेंटर पे रहना चाहिए आपकी स्टेट के रूल के हिसाब से, और कई स्टेट्स में होम केयर अलाउड है, और कौन से पेशेंट को अस्पताल की जरूरत है, और कौन से पेशेंट को आईसीयू या एचडीयू की जरूरत है, कौन से पेशेंट जो आईसीयू में है उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, और मेन इश्यू इसमें ये क्या होता है कि किसको इससे फायदा होगा। हम जो एथिकल फ्रेमवर्क देखना चाहेंगे वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये एक्चुअली ई बुक में ये काफी डिटेल में है, और एक एलिकेयर का ऐप भी है जो आप फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी इस फ्रेमवर्क को समझने में। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये हर देश में एक ही होते हैं, तो ये यूनिवर्सल हैं, एंड ये हर मेडिकल डिसीशन में आते हैं। तो अगर आप कोई इंजेक्शन देने जा रहे हैं उसमें भी एथिक्स का फ्रेमवर्क होता है, आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं उसमें भी सेम एथिक्स का फ्रेमवर्क होता है, आप पैलिएटिव केयर कोविड में देना चाह रहे हैं उसमें भी सेम एथिक्स का फ्रेमवर्क है। तो ये हमारे कल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन कई चीजों में हमारा कल्चर, हमारे समाज के जो रूल्स हैं उनसे एथिक्स फ्रेमवर्क ध्यान में रखते हुए थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मेडिकल एथिक्स पूरी दुनिया में एक ही होता है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मान लीजिए कि एक नीति नीति शास्त्र है कि हम समझ लें क्या सही है क्या गलत है एक मेडिसिन के प्रिंसिपल की तरफ से, और ये लॉज से अलग है। तो लॉज यूजुअली एथिक्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप एथिकली सही चीज कर रहे हो तो आपको लॉ से डरने की कोई जरूरत नहीं है कभी भी। तो एथिक्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये वैसे हमेशा ऐसा है कि ये चार प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम मानते हैं मेनली, और वो होते हैं बेनिफिसेंस, नॉन मैलफिसेंस एंड पेशेंट ऑटोनॉमी पहला, और फिर होता है जस्टिस। पेशेंट ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हक हमेशा पेशेंट के साथ होता है, कि पेशेंट अपना
चयन करें, पेशेंट की चॉइस हो जाए, इससे हम रिस्पेक्ट करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि पेशेंट आता है एक कमजोर स्थिति में, और उससे अगर हम उनके सारे हक भी छीन लें, अपनी बॉडी में क्या होने वाला है, अपने साथ क्या होने वाला है, कोई और डिसाइड करे, और मेरा मेरी शरीर पे भी हक ना रहे, ये तो सही नहीं होगा। तो पेशेंट ऑटोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, उनकी राय लेना, उनकी मर्जी से ही कोई भी ट्रीटमेंट करना। दूसरा होता है बेनिफिसेंस, कि जो भी हम करना चाहें उससे पेशेंट का भला हो। तीसरा होता है नॉन मैलफिसेंस, यानी कि जो हम करें उससे पेशेंट को हानि ना पहुंचे। और चौथा होता है जस्टिस, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर डिसीज के 3 पेशेंट हों और तीनों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो इन तीनों को ट्रीटमेंट बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है और उसके हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट ना मिले, या अगर हम बेवजह या फिजूल में बहुत ही कीमती ट्रीटमेंट किसी को दें, जिससे आप मान लीजिए, क्योंकि इसका एक सामाजिक इश्यू भी आ जाता है कि अगर हम फिजूल की ट्रीटमेंट या पैसे जो स्टेट स्पेंड करता है फिजूल की चीजों पे स्पेंड करें, तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए वो नहीं रहता है, और इससे दूसरे लोगों को हानि होती है। तो जस्टिस का जो फ्रेमवर्क होता है कि सही मात्रा में सही चीज सही पेशेंट को मिलनी चाहिए, तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट एथिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं, और ये हमेशा हमेशा साथ साथ नहीं चलते। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं कि कई एरियाज में कई मेडिकल सर्विसेज मिलती नहीं है, तो हम जानते हैं। वैसे आपके साथ साथ में पिछले 3 हफ्ते पहले अफ्रीका और साउथ अमेरिका के भी कई डॉक्टर्स और नर्सेस आए थे, और वहां पे कई देशों में, पूरे देश में 10 वेंटिलेटर हैं। तो आप मानिए, वहां पे तो जरूर पेशेंट्स होंगे जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, जिनको फायदा होगा आईसीयू या वेंटिलेटर से, लेकिन वहां पे है ही नहीं। तो वहां पे हमें कभी कभी समझना पड़ता है कि एक सोशल फ्रेमवर्क में पैंडेमिक के टाइम में हमें थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, इससे हमें थोड़ा डिस्ट्रेस होता है, लेकिन अगर हम समझें कि हम अपने एथिक्स सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे मन में हम ये जान लेंगे कि आपके हाथ में जितना है आपने सही किया। ठीक है, तो ये रजनी, एक वाइडर सोसाइटी। हाँ जी, आफ्टर यू फिनिश आप। हाँ नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सेज आए हैं। एक तो बबली निजवाला जो कह रही है कि मैम, कोविड पेशेंट की बीमारी से कम और सामाजिक भेदभाव से ज्यादा परेशानी है, और इस भेदभाव से बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। तो भेदभाव और स्टिग्मा जो है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे ये हफ्ते के ड्यूरेशन में, बट बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि बहुत ही सही पॉइंट। तो इसके कारण पेशेंट, फैमिली और डॉक्टर्स को भी बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयों की ये कठिनाइयां आ रही हैं, इसके बारे में हम जरूर बोलेंगे। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोरा से बताया कि अलग करना है कौन से पेशेंट को, तो इसके बारे में अगर आप कुछ और टाइप करना चाहें, या आपका क्वेश्चन जरूर याद रखिए, एंड ऑफ द सेशन में हम डिस्कस करें, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है। जरा इसके बारे में अगर आप डिटेल में बताएं, कोरा से जो पीएचसी से टाइप कर रहे हैं, तो हम आपके क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे। ओवर टू यू। तो हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही ये जब हम फ्रेमवर्क जब हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कौन से पेशेंट के लिए क्या सही होगा, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को ऑफर कर रहे हैं उससे उनको फायदा होगा या उससे उनका दर्द बढ़ने वाला है बिना किसी फायदा के। और आपके देश में, आपके प्रदेश में लॉज क्या है, पेशेंट की इच्छा क्या है, उनके हित में क्या है, और पूरे समाज के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं वो ऐसा है कि एक हाथी है जो एक पैर पे रस्सी पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो कभी कभी हमारा काम हेल्थ केयर में इतना ही चैलेंजिंग हो जाता है, इतना ही कठिन हो जाता है कि हम कैसे बैलेंस करें इन सारे चीजों को और सही सही निर्णय ले हर एक पेशेंट के। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं, कि हम एक प्रोसेस शुरू कर देते हैं पेशेंट या पेशेंट के राय लेके या फैमिली की राय लेके, लेकिन अगर हमें हमारे पास ये फ्रेमवर्क ना होता कि ये सही डिसीशन है, तो हम अपने पहले डिसीशन, अगर हमारा पहला डिसीशन गलत हो, तो हम इस भूल भुलैया में फंस जाएंगे।
और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब हम इस भूल भुलैया में गुम हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो हमारे साथ साथ पेशेंट और फैमिली भी फंस जाता है उसमें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अच्छी तरह से सेट हो हमारे माइंड में कि पेशेंट ऑटोनोमी, बेनिफिसेंस, नॉन मैलिफिसेंस और जस्टिस, और ये ट्रियाज के कॉन्सेप्ट हमारे मन में सही फिट हो गए ना, तो फिर आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी इस बहुत ही कठिन समय में, COVID-19 की डिसीशंस में आपको ये काफी आसानी मिल जाएगी अगर आप समझ लेंगे फ्रेमवर्क। तो मेन इश्यू क्या हो जाता है कि यहाँ पे एथिकल डिसीशन मेकिंग में ये थोड़े चैलेंजेस आ गए हैं कोविड के टाइम में, कि जो सबसे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं वो हमारे पूरे पॉपुलेशन के सबसे बुजुर्ग और सबसे कमजोर लोग हैं। लोग काफी डेस्परेट हो गए हैं मदद के लिए, और जैसे आप जानते हैं आज के दिन इंडिया अभी दुनिया में नंबर 2 पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। तो हम 4 मिलियन केसेस क्रॉस कर चुके हैं, पिछले दिनों में 80,000 से ज्यादा प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कई शहरों में ये बढ़ के फिर कम भी हो रहा है, सेटल हो रहा है, लेकिन कई शहरों में जैसे मैं जानती हूँ कि अभी नागपुर में केसेस अचानक बहुत बढ़ रहे हैं। तो हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में, हर तालुक डिस्ट्रिक्ट में ये हम एक देख रहे हैं कि एक बढ़ना, थोड़ा स्टेबल होना, फिर कम होना। और जैसे हम देखते हैं कि लोग रिसोर्सेस अगर उनके पास हैं तो फिर झेल पाते हैं, अगर उन्होंने पहले से प्लानिंग की है तो झेल पाते हैं, लेकिन कभी कभी रिसोर्सेस हमारी कम पड़ जाती है। और इस हड़बड़ी में कि हम मेडिसिन और सही इलाज कर पाए, तो ये मानसिक तकलीफ, जो स्पिरिचुअल तकलीफ है, जो फाइनेंशियल तकलीफ है, जो सोशल स्टिग्मा और फियर जो बबली जी ने कहा था उसके बारे में हम ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि हम थक जाते हैं केवल मेडिसिन और फिजिकल ट्रीटमेंट, शारीरिक इलाज करते हुए। और तभी हमारी भाषा भी बदल जाती है, तो हम लेबलिंग वाली भाषा, समाज में भी बदलाव आ जाता है कि लोग बोलते हैं कि उनके पड़ोस में, अरे वो कोविड पेशेंट का घर है, तो ये लैंग्वेज बदल जाता है। जो हमारा पड़ोसी था वो अभी कोविड पेशेंट बन जाता है। तो इसके वजह से काफी बहुत प्रेशर में है, लेकिन अगर हम ये पहले से सीख लें कि ये सही है, ये फ्रेमवर्क है, हमें इस रास्ते पे चलना है, तो इससे हमें थोड़ा सहारा मिलता है। तो आगे बढ़ने के लिए हम एक पेशेंट और उनके परिवार के साथ आगे चलते चलते जाएंगे नेक्स्ट 4-5 दिनों में, और आप इस उदाहरण के साथ में आप देखेंगे कि आप इस पेशेंट और इनकी फैमिली की कैसे मदद कर पाएंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ रमेश जी। रमेश जी हैं 75 साल के हैं वो। उनको डायबिटीज है, उनको हार्ट डिसीज है, उनका वजन भी बहुत ज्यादा है, वो ओबीस हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको स्ट्रोक हुआ था 6 महीने पहले। वो पहले स्मोक किया करते थे, उनके स्ट्रोक की वजह से उनके शरीर का एक भाग पूरा का पूरा पैरालाइज हो चुका है। उनको काफी काफी बार चेस्ट इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनको ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो चुका है पिछले थोड़े महीनों में। वो घर पे ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते। उनको उनके रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करने हैं, बाथरूम जाना है, खाना खाना है, इस सब में उनको सहायता की जरूरत है। वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, थोड़े सहारे के साथ में एक चेयर पे बैठ सकते हैं या थोड़ा 2 कदम चल सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनके बेटे उनके साथ में है। उनका एक बेटा विदेश में है। तो अब आप सोचना कि ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो आप इनमें से कौन सी इश्यूज आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगती हैं, कि अगर ये आपको क्या लगता है कि इन क्या ये वल्नरेबल पेशेंट में आएंगे आपके पॉपुलेशन में, इनके बारे में आप क्या सोचेंगे COVID-19 के बारे में सोचते हुए, कि ऐसे सिचुएशन में जो मिस्टर रमेश है, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा आपकी कम्युनिटी में ही, तो उनके क्या चिंताएं होंगी, उनकी क्या समस्याएं होंगी? तो रजनी, ये भी क्वेश्चन राजकुमारी जी ने करागी, यूपीएससी करागी से पूछा है। जस्ट थोड़ा डाइग्रेस है कि हमारी कोविड के वजह से हमारी प्रेग्नेंट विमेन बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सभी हॉस्पिटल में फिर काफी भी अभी कोविड ही एडमिट हो रहे हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बंद कर दिया है, और होम डिलीवरी और अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत हो रहे हैं।
राजकुमारी जी, आपका बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि ये जो है बीमारी, महामारी के वजह से न सिर्फ पेशेंट जिनको कोविड हुआ है वो परेशान में है, बट नॉर्मल पेशेंट्स भी परेशान है जो घर पे हैं, उनको भी तरह तरह के टेंशन और स्ट्रेसेस हैं, और जो पेशेंट्स को क्रॉनिक बीमारियां हैं कोविड के पहले वो भी बहुत सफर कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें ही कुछ सोचना है कि हम उनका इलाज और उनका सपोर्ट कैसे जारी रख सके। तो हम ये डिस्कशन में आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है राजकुमारी की, नॉन कोविड पेशेंट्स भी बहुत सफर कर रहे हैं। और एक और जो पॉइंट था जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है पीएचसी कोरा से, कौन कौन से डिजीजेस को पेशेंट्स को सेपरेट करना है। सो बेसिकली मैंने ये पूछा था आप लोगों से कि आप जो कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो बुजुर्ग पेशेंट है जिनको बाकी सारी बीमारियां हैं वो कैसे आपके केयर में बिहेव करते हैं, उनका कैसा होता है। तो इसी का क्वेश्चन आपको डॉक्टर रजनी भी पूछ रही है कि आगे चल के ये जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को अगर आपने देखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं पूछ रही थी। बट ओवर टू यू रजनी, पीएचसी कोरा से हम जरूर आपका पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली चाहिए, बट प्लीज पेशेंट रहिए, हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। नहीं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट रेज किया, और जैसे कि हमने पहले वो इंट्रोडक्शन में बात की थी कि पैलिएटिव केयर इन कोविड इज नॉट जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स, इट इज फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड जनरल मेडिकल कंडीशंस जिनकी केयर में अभी रुकावट आ गई है। जैसे आपने कहा प्रेग्नेंट पेशेंट्स के बारे में, एक और पेशेंट पॉपुलेशन आपको बताऊं जो होते हैं उनको फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको लाइक बीटा थैलेसीमिया, ऐसी डिसीजेस, ब्लड की डिसीजेस होती है, उनको हर महीना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। जब लॉकडाउन हुआ था तो उनका हालत बहुत बुरा हो गया था क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बंद थे, और अगर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 3 हफ्ते में नहीं मिले तो उनको जान को खतरा है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए थे, ऐसे लोग थे जिनकी डायलिसिस रुक गई थी काफी टाइम के लिए, और स्पेशली रूरल एरियाज में डायलिसिस का एक्सेस बंद हो गया था, ये बहुत कठिनाई लोगों ने फेस की है काफी एरियाज में। तो बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल पेशेंट पॉपुलेशंस हैं। तो एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पे मिस्टर रमेश की उम्र है 75 years, वो डायबिटिक है, उनको हार्ट डिसीज है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, ये सारे चीजें कोविड के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड में ज्यादा इफेक्ट यानी कि सिवियर इलनेस होने का चांस बुजुर्गों को ज्यादा है, डायबिटिक्स को ज्यादा है, ओबेसिटी में ज्यादा है। यही सोचते हुए सरकार ने, आपने देखा होगा टीवी पे सभी चीफ मिनिस्टर्स आके टीवी पे ये मैसेज देते हैं कि अगर आपकी उम्र 65 से ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर जाइएगा मत, और उनके लिए एक केयर गिवर फैमिली में अपॉइंटेड होना चाहिए ताकि उनका कॉन्टेक्ट बहुत सारे लोगों से ना हो। लेकिन आप सोचिएगा, अब 6 महीने हो गए, तो जो बुजुर्ग हैं अभी उनका कंडीशन एक और तरीके से बहुत आइसोलेटेड हो गया, तो उनपे एक मानसिक स्ट्रेस भी हो रहा है आइसोलेशन का और चिंता का कि ये महामारी अभी तक गई नहीं है इस दुनिया से, 6 महीने हो गए मैं अपने रूम के अंदर ही बंद हूं, फिर भी ये मुझे कभी भी हो सकता है, तो ये एक चिंता। तो उनकी उम्र, उनके पॉइंट्स हो जाएंगे उनके लिए डिस्कस करने के लिए। सो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया राखी जी ने कि हमने ये भी देखा है कि एक कोविड पेशेंट की फैमिली मेंबर्स में केवल उनका 7 साल का बेटा घर में अकेला था, बाकी लोग कोरोना पॉजिटिव के वजह से आइसोलेशन में रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल से उनके रिलेटिव उनके यहाँ आए, तो ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। तो मैम ये बताइए कि अगर ऐसे समय में क्या किया जाए। बहुत बढ़िया पॉइंट है राखी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे का डिस्ट्रेस और तकलीफ का सहारा बन सकें। तो ये जो हफ्ते भर का जर्नी रहेगा उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे, और ये इसीलिए हम बार बार दोहराते हुए यही बता रहे हैं कि इस कठिनाई स्थिति में, इस महामारी के स्थिति में हम सब समान हैं और हम सब एक दूसरे की मदद ज्यादा करना चाहिए करुणा और कंपैशन के साथ। तो इसीलिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे आपको इस हफ्ते में। बट बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग इतने सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज रेज कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है मुझे कि आप अपने पेशेंट्स और कम्युनिटीज के बारे में कितना केयर करते हैं। तो मैं आप सभी को
बस एक बहुत एक प्रणाम करना चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। हमारी तरफ से हम जो सहायता कर पाएंगे हम होप करेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए हम कर पाएंगे। एक रिस्पॉन्स ये भी आया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट रमेश विल फेस, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड डिस्टर्ब सोशल लाइफ ऑफ रमेश। करेक्ट, बहुत बहुत सही बताया आपने। दोस आर द इश्यूज, एब्सोल्युटली। ये जो जिन्होंने भी टाइप किया उनका नाम नहीं पता है, बट कोई एपरेटस का नाम आ रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर टाइपिंग दैट। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव परफेक्ट आंसर था कि हमें सारी ये चीजों को ध्यान में रखना है ये सोचते हुए कि आगे जाके उनको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोग्नोसिस का एक पार्ट होता है जो मेडिकल स्किल्स में, एक ये प्रोग्नोसिस मतलब कि हम बोल पाए कि पेशेंट का आउटकम क्या होगा। अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास में एक हार्ट अटैक के साथ में मान लीजिएगा, तो अगर वो जल्द ही जल्द आए और उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट सब कुछ ठीक है और इमीडिएटली हम उनका इलाज कर पाए, जैसे कि हम या तो एंजियोप्लास्टी कर पाए या उनको थ्रोम्बोलिटिक दे पाए या जो भी हो इंजेक्शन वगैरह दवाइयां जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए, तो हम जानते हैं कि उनका रिकवरी का चांस अच्छा है। अगर हम अगर वो 6 घंटे बाद आएंगे और ऑलरेडी उनको और तकलीफ बढ़ गई है, काफी पार्ट डैमेज हो चुका है, तो हम जानते हैं कि उनकी रिकवरी का चांस कम है। तो इस जो बहुत पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में जो हजारों पेशेंट्स के रिसर्च के जरिए हमारे पास जानकारी है कि कितने परसेंट पेशेंट्स को किस ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस स्किल को हम प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं, इस एक्ट को हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो ये हमारे निर्णय लेने में बहुत मदद करता है। अगर हम जानते हैं कि किसी को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डालने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या हम उनको ये सुझाव देंगे कि अगर आपकी कंडीशन बदतर हो जाए तो आपको वेंटिलेटर पे जाना चाहिए। अगर हम जानते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादातर मेडिकल कंडीशंस पे आता है और हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप मानिएगा सर्जन के सामने ये क्वेश्चन काफी रोजाना आता है। सर्जन्स रोजाना बोलते हैं कि पेशेंट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी, पेशेंट इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। इसका क्या मतलब होता है? ये नहीं कि पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्जरी करके भी पेशेंट को फायदा नहीं होगा, उनको और दुख होगा, पैसा खर्च होगा, दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम फिर से अपने एथिकल फ्रेमवर्क्स पे आते हैं, जिससे पेशेंट को फायदा ना हो और जिस निर्णय से उनका दर्द बढ़ जाए, क्या वो हमने ऑफर करना चाहिए पेशेंट को? तो जब हम सर्जरी ऑफर नहीं करते तो हम मैकेनिकल वेंटिलेटर क्यों ऑफर करते हैं जब उससे फायदा नहीं है? किस पेशेंट के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर का फायदा होगा? आप मान लीजिए कि मुझे कोविड हो गया, मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सिवियर निमोनिया हो गया है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन के साथ में फायदा नहीं मिल रहा, तो अगर मुझे मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑफर किया गया तो शायद इसमें कुछ बात है कि इससे मेरी रिकवरी का चांस बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई 80 साल के बुजुर्ग या 75 इयर्स रमेश के जैसे जो हैं, उनमें हमें सोचना पड़ेगा कि रिकवरी का चांस क्या है। तो ये हमें मालूम है रिसर्च स्टडी से कि एल्डरली पेशेंट्स में जो बुजुर्ग हैं उनमें मैकेनिकल वेंटिलेटर से इतना फायदा नहीं मिला है, इसके बावजूद कि वो पेशेंट वेंटिलेटर पे गए, 3-4 हफ्ते वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाए। पूरे वेंटिलेटर्स का डिस्चार्ज परसेंटेज अराउंड 37% या ऐसे कुछ है। एंड दिस इज एन प्रॉब्लम कि जो पेशेंट 65-70 के ऊपर है उनका सर्वाइवल कम है। तो ये जानते हुए हम सही निर्णय ले सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं सही ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए कि आपके लिए ये फायदेमंद है, आपके लिए इसका फायदा हमें नजर नहीं आता है, और ये दिस विल हेल्प अस ये प्रोग्नोसिस जानना कि ये पेशेंट का रिकवरी अच्छी तरह से हो सकता है अग्रेसिव ट्रीटमेंट के साथ में, इंटरवेंशन के साथ में, वेंटिलेटर के साथ में, और इस पेशेंट के लिए वेंटिलेटर से पीड़ा बढ़ेगी, उनका सर्वाइवल का चांस नहीं बढ़ेगा। तो ये डिसीशन लेना बहुत जरूरी होता है, ये जो प्रोग्नोस्टिकेशन का स्किल है ये बहुत जरूरी। इन सब में जो की एथिकल प्रिंसिपल्स हमारे हैं जब हम केयर देना चाहते हैं COVID-19 के पेशेंट्स को, तो अगर हम किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते तो इसका क्या मतलब है कि हम पेशेंट को एडमिट ही ना करें या कोई भी सहायता ना दें और बोल दें कि अब इसका कुछ नहीं कर सकते, हम अब हम कोई सहायता नहीं दे सकते।
तो मैं मानती हूँ कि मेडिसिन में ये कभी नहीं कह सकते हम, हेल्थ केयर में ये कभी नहीं कह सकते हम कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमेशा 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 हम पेशेंट की सहायता कर सकते हैं, उनकी पीड़ा कम कर सकते हैं, परिवार की सहायता कर सकते हैं और उनकी पीड़ा कम कर सकते हैं। तो नॉन अबैंडनमेंट, मैं आपका हाथ आपका साथ नहीं छोड़ूंगा छोड़ूंगी। नो पर्सन इन नीड ऑफ मेडिकल केयर इज एवर नेग्लेक्टेड और अबैंडन्ड। ऑल हु नीडेड हैव एक्सेस टू पैलिएटिव केयर। ये हमारा गोल है। रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, डिग्निटी, आत्मसम्मान, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑटोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्रोवाइडर हेल्थ इज प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि हम पेशेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स सभी की प्रोटेक्शन के लिए देखभाल करें। यानी कि एक पैंडेमिक, एक इन्फेक्शियस सिचुएशन में यहाँ पे हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत है। होल पर्सन केयर, मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना है। और जस्टिस, ये सारे जो मेन वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ये की एथिकल फ्रेमवर्क्स प्रिंसिपल्स बताए हैं कोविड 19 के केयर में। और ट्रियाज करते टाइम हमने ये देखना है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में ये सारी स्ट्रेटजीज, ये प्लान्स प्लेस में हो, कि कम्युनिकेशन सिस्टम हो ट्रेसिंग के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, किसी का टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट का रिजल्ट बताने के लिए हमने एक मैकेनिज्म सेटअप करना है कि कौन फोन करके बताएगा, किस तरीके से बताएगा, डरा के नहीं बताना है, समझा के बताना है। तो हर लेवल पे हमने सोचना है कि पेशेंट की सहायता और उनको सहारा कैसे दें और स्टाफ को भी सहारा कैसे दें हम। तो ये होता है गोल्स ऑफ केयर डिस्कशन फ्रेमवर्क, ये आपके ई बुक में है। इसमें हमने यहाँ पे लिखा है कि कन्फर्म्ड या सस्पेक्टेड कोविड 19 पेशेंट जो 60 साल से कम हो, उनके लिए हमने कैसे कॉन्वर्जेशन, कैसे प्लानिंग करना चाहिए कि क्या क्या आगे ट्रीटमेंट में हमको शायद जरूरत पड़े, उनकी क्या समझ है उसके बारे में। और पेशेंट जो 60 साल के ऊपर हो, जिनके पास में और भी कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीज, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो वो सिचुएशन में हम एडमिट करते टाइम ही कैसे कैसे बातें करेंगे पेशेंट के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में, ये जानने के लिए कि पेशेंट की इच्छा क्या है। तो ये सारे चीजें हम कैसे एडवांस में प्लान करेंगे, ये आपको इस एल्गोरिदम में मिलेंगे। और ये सब हमारे ये नॉलेज के ऊपर बेस्ड है कि हम जानते हैं कौन से पेशेंट्स को किस चीज से बेनिफिट होगी और हमें सही ऑफर करना चाहिए ट्रीटमेंट पेशेंट को। एक कमेंट ये भी आया था रजनी कि ऐसे पेशेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ प्रिवेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, एज फार एज पॉसिबल उनको कोविड न लगे इसका ध्यान रखना चाहिए। उनके देखभाल के लिए ऐसा कोई व्यक्ति रखो जो घर से बाहर नहीं जाए, जो आइसोलेटेड में रहे, ताकि हम पेशेंट का जितना हो सके हम प्रिवेंशन करें। बट हालांकि हमने ये भी देखा है कि बहुत केयर और बहुत सारा ये प्रिकॉशंस लेते हुए भी काफी एल्डरली पेशेंट्स को हो रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी लो है या उनकी बाकियां बीमारियां हैं। एंड ऑल्सो ये है कि ऐसे बुजुर्ग के पेशेंट्स को बहुत से पर्सनल केयर की जरूरत है, जैसे बाथरूम ले जाना, क्लोज कॉन्टैक्ट केयर की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे केयरफुली रखने के बावजूद भी कोविड होता है, और उनको क्या ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसमें पेशेंट का, पेशेंट के जो मन में विचार है वो भी हम शामिल करने चाहिए, फैमिली के क्या विचार है वो भी शामिल करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर और आईसीयू में जो प्रोटोकॉल है वो ही फॉलो करना चाहिए। तो एक ये साथ का एक प्लान होना चाहिए और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अनीता ये भी लिख रही है कि ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल वाले किसी को भी देखने करते रहे या तक कि अगर कोई डिलीवरी, दिस इज स्टिल प्रेगनेंसी, ओके हम बाद में आएंगे अनीता। राजकुमारी जी लिख रही है कुछ हॉस्पिटल एडमिट करने से पहले कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो उनको कोविड हॉस्पिटल में रिफर, नॉन कोविड हॉस्पिटल में रिफर किया जा रहा है और उनके घर वालों को बहुत परेशानी हो रही है। करेक्ट। तो ये सब चीज जो आप रिकग्नाइज कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, जो आगे कितने दिन कितने महीने चलेंगे वो भी नहीं पता है, इसीलिए ये जो 5 दिन का डिस्कशन है इससे आप और हम एटलीस्ट हमारे पेशेंट्स को कितने आसानी से ट्रीट कर सकते हैं ये रास्ता चुन सकते हैं। और इसीलिए ये डिस्कशन और ये जो 5 डे का लेक्चर सीरीज है, ये आप बिसाइड्स जो वेबिनार है, ई बुक है, डॉक्टर रजनी ने बताया, ये आपके फायदे में आएंगे।
सो थैंक यू वेरी मच. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं आप सभी लोग, क्योंकि ये क्या हो गया है कि एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे इनिशियल रेस्पॉन्स में हमने सभी हॉस्पिटल्स को कोविड कंपैटिबल बने में ये मदद नहीं की, तो कोई हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स बन गए और कोई हॉस्पिटल्स बंद ही हो गए. फिर बाद में सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंक्लूड किया और बोला कि आपको इतने प्रतिशत बेड्स आपके कोविड के रखने हैं. तो कई बार ऐसे हो गया है कि जो पेशेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं जो एक हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हैं, वो अगर कोविड हॉस्पिटल अचानक डिक्लेयर हो गया तो उनको कहीं और जाके रजिस्टर करना है. तो इसमें हमने थोड़ा प्रिवेंटिव प्लानिंग या एडवांस प्लानिंग करना जरूरी है. तो यहाँ पे जो हमारे आशा वर्कर्स हैं और ANMs हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पहले से आइडेंटिफाई करें अपने एरिया में, ताकि जो महिलाएं जिनका रजिस्ट्रेशन जहाँ हुआ है उनको पता हो पहले से. और आजकल ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि डिलीवरी डेट के एक हफ्ते पहले कोविड टेस्ट करा रहे हैं ताकि प्लानिंग हो जाए. कई बार पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कोविड है, ताकि पहले से ही पता चल जाए. दूसरी बात हुई कि सारे फैसिलिटीज कोविड हॉस्पिटल में होना ना होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है. कई बार पेशेंट को स्ट्रोक है लेकिन उनको कोविड भी है, और जिस कोविड हॉस्पिटल में है वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल ना हो. तो ये बहुत सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, और कोशिश हो रही है कि सभी हॉस्पिटल्स में कोविड और नॉन कोविड एरियाज बन पाए. तो क्योंकि हम जान गए हैं कि अब हमें कोविड के साथ जीना है, 6 महीने हो गए हैं, ये कहीं नहीं जा रहा है. जब तक वैक्सीन नहीं आएगा हमें इसके साथ जीना है, तो हमारे हेल्थ सिस्टम्स को हमने अपग्रेड अपडेट करना पड़ेगा. अब आते हैं फिर से ट्रायज पे, गाइडलाइंस पे. तो ये जो हम बात करते हैं पेशेंट के साथ में कि क्या निर्णय लिया जाए, कि अच्छा आपके आपकी इच्छाएं क्या है, तो ये इनका डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है. इनका डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि हमने पेशेंट को ये जानकारी दी है कि ऐसा है कंडीशन, फैमिली मेंबर को जानकारी दी है. अगर हम डिसाइड करें यहाँ पे वर्ड फ्यूटिलिटी इन ट्रीटमेंट है, इसको कई बार हम नॉन बेनिफिशियल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. जैसे मैंने सर्जरी का एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी से फायदा नहीं होगा यानी कि नॉन बेनिफिशियल ट्रीटमेंट. इसका ये मतलब है कि जो ट्रीटमेंट हम प्लान कर रहे हैं उसे ना कि फायदा होगा लेकिन दर्द भी ज्यादा हो पाए, तो ये नहीं होना चाहिए. तो ये एक सिस्टम ऑफ ट्रियाजिंग होना चाहिए कि अगर हमें पहले से मालूम है कि ये पेशेंट बुजुर्ग है, इनका सिचुएशन अगर बुरा हो जाए, अगर वर्स हो जाए, तो इनको वेंटिलेटर से बेनिफिट नहीं है, तो पहले से ही अगर हम प्यार से ये बात कर पाए पेशेंट के साथ में, उनकी इच्छाएं जान पाए, तो ये अगर हम पहले से ही डॉक्यूमेंट कर लें, हमारी शिफ्ट नहीं है किसी और की शिफ्ट है, और तभी पेशेंट का कंडीशन थोड़ा वर्स हो जाए, तो वो डॉक्टर वो नर्स उनको पहले से पता है कि ये निर्णय लिया गया है, ये डिस्कशन हो गया है पेशेंट के साथ में. जब भी पेशेंट्स ट्रियाज होते हैं और उनका सिचुएशन वर्स होता है, तो कई बार क्या होता है, अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है, उनको ऑक्सीजन चढ़ा दो और आईसीयू में शिफ्ट कर दो. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर पेशेंट को आईसीयू में जाके फायदा होने वाला है. क्या ये आईसीयू का लोड बढ़ाने वाला है? यहाँ पे अगर पेशेंट की फैमिली ने डिसाइड किया है कि उनको और इंटरवेंशन नहीं करने हैं, तो यहाँ पे क्या हम इस पेशेंट को की सहायता वार्ड में ही कर सकते हैं, उनकी पीड़ा वार्ड में ही दूर कर सकते हैं? तो ये सारे चीजों की बहुत अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि हम सही पेशेंट को सही लेवल ऑफ केयर पे भेजें. तो ये आप अगर थोड़ा ध्यान दें इस पे, तो आपको बहुत आसानी होगी जब आप पेशेंट्स को ट्रियाज कर रहे हैं, छाट रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा फ्लो चार्ट जैसा है जहां पे ग्रीन, येलो और रेड पाथवे दिखाया गया है. तो अगर पेशेंट है COVID-19 के साथ में, जिनके कोई और कंडीशंस नहीं है, नो प्रीमॉर्बिड्स, नो कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो उनको आप एडमिट करें और जैसा पूरा COVID-19 का मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है आप उनका इलाज वैसे करें. अगर उनका कंडीशन वर्स हो जाए तो एस्केलेशन ऑफ ट्रीटमेंट, स्टीरॉइड्स हो, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर की सहायता हो, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला हो, जो भी हो. दूसरी एक कंडीशन होती है कि जो पेशेंट्स जो बीच में है कि उनका सिचुएशन थोड़ा इतना क्लियर कट नहीं है, शायद कुछ फायदा हो सके, ट्रीटमेंट देके हम ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीजन NIV के साथ साथ में. अगर उनका कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है, लाइकली टू बेनिफिट, तो हम और अग्रेसिव केयर चाहें तो आईसीयू में भी दे सकते हैं. लेकिन अगर उनका कंडीशन अचानक बहुत ज्यादा बदतर हो जाए और हमें ऐसे लगे कि आईसीयू से बेनिफिट नहीं होगा, तो ऐसे पेशेंट को हमने काउंसिल करके एक दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं. वहां पे है कि हम वार्ड में ही ऑक्सीजन NIV कंटिन्यू करें और ऐसी दवाइयां दें ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए और उनका एंड पेनफुल ना हो, तो एंड ऑफ लाइफ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये पाथवे आप जरूर देखिएगा आपके ईबुक्स में. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेन जो क्रक्स यहाँ पे आता है वो कम्युनिकेशन का, कि आप पेशेंट को सही तरीके से असेस करें
और ये जो कंडीशन है पेशेंट के साथ में और फैमिली के साथ में अच्छे से डिस्कस कर पाए। From Himachal, Rajni has said very correctly from Himachal that counseling बहुत important है family members and she's also written कि it also depends on doctors. तो correct बताया कि communication सभी परिस्थितियों में important है. कोविड में ये ज्यादा तकलीफ हो जाती है क्योंकि पेशेंट अकेला है, फैमिली अकेला है, डॉक्टर्स और नर्सेस पीपी में है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि किससे बात कर रहे हैं. तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको सभी को सीखना है कि कैसे बात करें सहानुभूति से, प्यार से, और ऐसे एक बात करें ताकि पेशेंट और फैमिली दोनों को लगे कि हम उनके साथ हैं और बीमारी के अगेंस्ट है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट है. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ओवर टू रजनी. थैंक यू सो मच फॉर दैट. यस, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग विल, उसके ऊपर एक अलग सा सेशन होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वाला सेशन. आप प्लीज जरूर अपने सारे डिस्कशंस के लिए आइएगा. डॉक्टर परम खरबंदा करेंगे वो सेशन. तो उसमें आपको काफी सारे सिचुएशंस आपको नोटिस करेंगे आप, जो आपने जरूर फेस किए हैं अपने लाइफ में. तो जब हम ये ट्रियाजिंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि कौन से पेशेंट को किस चीज से फायदा हो सकता है, तो हम कई ऐसे मेजर्स यूज करते हैं. एक है WHO परफॉर्मेंस स्केल, कि जहाँ पे जीरो होता है एक ऐसे पेशेंट जो तंदुरुस्त है, जो अपना सारा काम अपने आप कर सकता है, जिसको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अपनी एक्टिविटीज में. कई पेशेंट्स होते हैं कि जो भारी काम करने में तकलीफ महसूस करते हैं. कई लोग ऐसे हो जो चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन घर का कोई कामकाज नहीं कर सकते. कई लोग ऐसे होते हैं जो चेयर में या बेड पे लेटे लेटे भी उनको तकलीफ हो रही है और वो बेड से नहीं हिल सकते. और कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे डिसेबल्ड हैं, जो पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं किसी और के लिए अपने एक्टिविटीज के लिए. तो यहाँ पे मैं मानूंगी हमारे जो पेशेंट है रमेश जी, वो 3 के नंबर पे हैं. उनको तकलीफ है, वो ज्यादातर 50% दिन में बेड पे ही बिताते हैं और उनको सहायता चाहिए कोई भी अपने काम करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, खाने के लिए. तो ये हो गया हमारे मिस्टर रमेश जी का एक असेसमेंट. एक और स्केल भी यूज किया जाता है, सोफा स्कोर यूज किया जाता है ऑर्गन फेलियर का. तभी वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से हम पता करते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन ICU में. एक क्लिनिकल फ्रेल्टी स्कोर होता है. फ्रेल्टी एक आसान वर्ड होगा, कमजोरी, या आप कोई और वर्ड अगर आप बता पाए तो देखिए. लेकिन जो एकदम बारीक कमजोर पेशेंट्स हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं बुढ़ापे में कई लोगों का मसल मास भी कम हो जाता है, उनको चलने में दिक्कत होती है, लड़खड़ाहट होती है, तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे भी एक स्कोर होता है कि जो वेरी फिट है, माइल्डली फ्रेल है, मॉडरेटली फ्रेल या सिवियरली फ्रेल, जो व्हील चेयर बाउंड वैसे हैं. तो मिस्टर रमेश यहाँ पे भी 6-7 के बीच में आ जाते हैं. और अगर रमेश जी को हम देखें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, डेंस हेमिप्लीजिया, ये सारे चीजें अभी हम बोल रहे थे कि क्या क्या इश्यूज, और आपने सही तरीके से बताया कि फिजिकल, मेंटल, बहुत सारे और फैक्टर्स हमने एड्रेस करने हैं. तो इसमें ये भी आ गया कि उनकी कोमोबिटीज हम देखें तो इतने सारे हैं, उनका WHO स्कोर भी काफी हाई है, फ्रेल्टी स्कोर भी काफी हाई है. तो ये हाई रिस्क ऑफ वेरी पुअर रिस्पॉन्स इफ ही बिकम सिवियरली इल. अगर उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर उनका कंडीशन बदतर हो गया तो उनका रिस्पॉन्स अग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, ये हम जानते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है पहले से हमें. फ्रेलिटी का दूसरा शब्द निर्बलता भी हो सकता है, निर्बलता. थैंक यू फॉर दैट वर्ड. माय स्क्रीन हैज फ्रोजन फॉर अ सेकंड, एक्सक्यूज मी. We also are at 4:14. Yes, I will try and speak. तो रमेश जी का की कहानी हम और थोड़ा आपको समझाते हैं, बताते हैं उनके बारे में. वो रिटायर्ड मैकेनिक हैं, अपनी वाइफ राधा और 2 बेटों के साथ में रहते हैं. उनका बेटा सुरेश एक प्रोविजन स्टोर चलाता है. उनका बेटा मनीष अभी UAE से वापस आया है अपने अपने वाइफ और बेटे के साथ में. वो अपनी जॉब छोड़ के आया है वहां पे और वो होम क्वारंटीन में है. वो छोटे से 2 रूम के घर में सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं. पहले एक्टिव थे लेकिन अभी स्ट्रोक के बाद में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते. उनके नेबर्स उनको फोन करते रहते हैं, फोन पे मैसेजेस आते रहते हैं कोविड के बारे में, जिससे वो काफी घबराए हुए हैं. उन्होंने सुना है कि बुजुर्ग लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं देने वाले हैं. उनकी फैमिली डॉक्टर को फोन करके पूछते हैं कि मैं क्या करूं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा. तो हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. ये आपने भी देखा होगा, लोगों को व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्कैरी मैसेजेस मिलते होते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि उनके फैमिली डॉक्टर होते हुए हम उनको बताएं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे. जैसे डॉक्टर राजम ने बताया था कि अगर कोई सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली कैसे उनका असेसमेंट किया जाए.
तो रजनी यहाँ पे दो तीन चीजें डिस्कस करनी है. एक तो जो प्राइवेट डॉग हॉस्पिटल्स इंसिस्ट करते हैं कि कोविड टेस्ट किया जाना चाहिए, तो इवन अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो क्या करना चाहिए, इज वन क्वेश्चन फ्रॉम खुशनुदा विच इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक टू आंसर. सेकेंडली पीएचसी कोरा से उनको कुछ पूछना चाहिए था, वो अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो प्लीज करना एंड में. एंड थर्ड पॉइंट इज अंजना जिन्होंने हैंड रेज किया था, जैसे ही डॉक्टर भट्ट अपना फिनिश करें तो आप प्लीज टाइप कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहे तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. रजनी ओवर टू यू. थैंक यू, माफी चाहती हूँ हमारा थोड़ा लंबा चल रहा है. आई विल फिनिश इन द नेक्स्ट 3-4 स्लाइड्स एंड वी विल हैव अ चांस फॉर सम डिस्कशन देन. आई एम जस्ट होपिंग दैट माय स्लाइड्स विल मेरा पावर पॉइंट हाँ सॉरी. तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें इस पेशेंट के साथ में. हम जानते हैं कि जब हम कोविड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं तभी बहुत हेक्टिक सिचुएशन होता है, हम पीपीई में होते हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में भी हमें ये देखना है कि हम पेशेंट के साथ में जब टाइम स्पेंड करते हैं तो इवन अगर हम थोड़े मिनट भी स्पेंड करें तो हम पूरी तरह उनके साथ जैसे बीइंग प्रेजेंट माइंडफुल, मेरा ध्यान उन पे ही है, ना कि मैं 10 चीज फोन पे हूँ या किसी और चीज या उनसे बस पेशेंट को दूर से देख भागने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं जानती हूँ कि आप में से कोई नहीं करता, लेकिन ये डर होता है पेशेंट्स को. एक एक जिम्बाब्वे के ब्रॉडकास्टर के बारे में सुनने को मिला जो बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी थे, वो गुजर गए. तो फैमिली मेंबर्स को भी ये डर रहता है कि अगर मेरे जो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई साहब हैं, जो भी हैं, मेरी माँ है, वो अगर अकेली है एक वार्ड में अकेले में, अपनी जिंदगी भर यही सोचते हुए बिताऊंगी कि उनके साथ में कोई नहीं था, वो अकेले थे, मैं उनके साथ में नहीं थी. तो हम एज हेल्थ केयर वर्कर्स हम ये काम कर सकते हैं कि हम ये लोग जो मरने वाले हैं, जो फील्ड में हैं, उनके साथ में थोड़ा प्यार से बात करते हैं तो इससे पेशेंट और फैमिली दोनों को बहुत बहुत राहत मिलती है. तो समराइज करने के लिए ये हमारा गोल है कि हम एक कंटिन्यूअस केयर दें जो फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ केयर से लेकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल में सही उचित केयर मिलना चाहिए, जिसको आईसीयू की जरूरत हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो उसे ही मिले, जिसको उसकी उसका फायदा ना हो उसके लिए दूसरा ऑप्शन मिले कि उनको सिम्टम्स से राहत मिले और फिर भी एकदम प्यार से उनका देखभाल किया जाए, फैमिली के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, हर चीज डॉक्यूमेंट किया जाए और जो सिस्टम्स हैं हमारे वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए भी हो कि हम पेशेंट को अबैंडन ना करें, पेशेंट को लेबल ना करें. हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी बहुत कुछ झेला है जो सोसाइटी की स्टिग्मा के वजह से, तो हम एक दूसरे का भी सपोर्ट और सहारा बन के रहें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बुरे वक्त में हम अपनी इंसानियत को पकड़े रहें. इट्स वेरी हार्ड टू स्टे ह्यूमन एज दिस डॉक्टर सेज कि इतने सारे पेशेंट्स, इतना सारा केस लोड है, तो ये एक के बाद एक केसेस और सफरिंग देख देख के हम कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत ना खो जाए, ये एक इच्छा है सभी में. हमको आदत है कि हम सब कुछ जो भी कर पाए करें, आईसीयूज में एकदम हाईटेक ट्रीटमेंट करें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इवॉल्व जो बहुत ही हाईटेक नेशंस है वहां पे भी डेथ रेट काफी हाई है. तो हम जान पा रहे हैं कि केवल टेक्नोलॉजी से सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन वो जो एक प्यार भरा वर्ड, एक लव्स हो और अपने पीपी ग्लव के साथ में भी एक कंधे पे हाथ हो, उससे जो सहारा मिल सकता है पेशेंट को और फैमिली को, वो बहुत जरूरी चीज है. तो आपके वेंटिलेटर हर पेशेंट को हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके प्यार भरे वर्ड्स, आपका आपकी सहानुभूति, ये पेशेंट और फैमिली को बहुत हेल्प करेंगी. तो स्टेइंग ह्यूमन इज पेनफुल बट इट इज वॉट आई नीड टू कीप ऑन वर्किंग. तो ये हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि इस सारे प्रॉब्लम के बीच में हमारी इंसानियत कहीं नहीं खोने वाली, ये हमें बनाए रखना है बस. ये सभी के बहुत ही चहेता एक्टर हैं जो अब हमारे साथ नहीं है. उनका एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आई सपोज इन द एंड द होल लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट वॉट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट इज टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय. और एक गाजा जो एक बहुत वॉर टॉर्न एरिया है, वहां के स्टूडेंट ने बोला है कि ह्यूमैनिटी अंटिल इंफिनिटी. और ये और एक आया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में सोशल टुगेदरनेस एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी. तो ये अगर हम जो अपलिफ्टिंग प्रिंसिपल्स
अपने साथ में रखेंगे तो जरूर हम अपने पेशेंट्स और कम्युनिटीज और एक दूसरे का भला कर पाएंगे, यही आशा है। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, आप ये सारे गाइडलाइंस और रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबिनार्स को जरूर देखिएगा। और मैं शुक्रिया करना चाहूंगी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स पैलियम इंडिया और पैली कोविड केरला के टीम को जिन्होंने ये पूरा मॉड्यूल बनाया है। इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ टुडे, आई अपोलोजाइज फॉर रनिंग ओवर टाइम बट वी स्टिल आई थिंक वी कैन टेक 5 मिनट्स और सो ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चंस। तो पहले तो डॉक्टर रजनी को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पहला दिन है तो हम भी बहुत पैशनेट और इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा चल गया, बट ये बहुत जरूरी है। इसका बेसिक ये उद्देश्य था कि हम आप सबको इस दिशा में डायरेक्ट करें कि हम डॉक्टर और नर्सेस क्यों बने हैं, और स्पेशली इस महामारी के वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त पे जब बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ आते हैं हम क्या कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनके, नर्सेस बनके, डॉक्टर बनके। हम ये बीमारी का तो इलाज अभी तक पता नहीं है, वैक्सीन भी अभी तक पता नहीं है, बट साथ में एक दूसरे का सहारा बनके पेशेंट को मदद करते हुए हम कैसे ये जर्नी इजिली बिता सके, ये हमारी ट्रेनिंग में भी नहीं है कि सहानुभूति से प्यार से कैसे बात किया जाए। तो इसीलिए ये और भी ज्यादा बन जाता है कि हम किस पेशेंट को आईसीयू रखें, किस पेशेंट को नहीं, और जो पेशेंट को नहीं रख रहे हैं या रख रहे हैं उनसे कैसे बर्ताव करें और उनके फैमिलीज को कैसे सपोर्ट करें। तो दो तीन चीजें थी, एक तो अंजना मैडम थी जिनको कुछ पूछना था, तो अगर आपको अनम्यूट करके पूछना है या चैट करना है या कल लेना है तो वो भी कर सकते हैं। पीएचसी कोरा से आप कुछ पूछना चाह रही थी जो सॉरी मैं समझ नहीं पाई, अगर आपको अनम्यूट करके पूछना है तो प्लीज पूछिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आज, सॉरी अबाउट दैट। बट जो भी है क्वेश्चंस हम आपके साथ ये पूरे हफ्ते रहेंगे तो प्लीज बेझिझक आपके क्वेश्चंस पूछिए। और कल जो है वो लक्षण के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर टॉपिक है, लक्षण कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर टॉपिक है। बट अभी कोई भी अनम्यूट करके पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। स्मृति और अरुण भी कुछ कहना चाहेंगे आपको इस सेशन के एंड में, तो ओवर टू देम। There was just this one question which came up again and again, which is about hospital policies about COVID testing. तो ये एक कठिनाई बहुत लोग फेस कर रहे हैं। बात ये है कि इमरजेंसी केयर कोई हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो कई बार वो तो इमरजेंसी केयर हर हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना है और आइडियली उनको बताना भी चाहिए अगर उनके पास केयर नहीं है तो वो कहाँ जा सकते हैं। इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपके एरिया में आप लिस्ट बना ले कि कौन से पेशेंट्स कौन से हॉस्पिटल कौन से क्लिनिक्स कोविड के पेशेंट्स ले रहे हैं, तो जैसे कि मैं अभी फिलहाल मेडिकल सपोर्ट ग्रुप्स में हूँ जो बिहार है, जो दिल्ली में है, बम्बई में है, और हमने ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस का नेटवर्क बना दिया है कि अच्छा एक प्रेग्नेंट लेडी है उनको इस चीज की जरूरत है तो हम उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज होगी कि हम अपने ही कम्युनिटी में नेटवर्क्स बना लें ताकि हम पेशेंट्स की सहायता कर सकें। अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट लेवल पे हर जगह कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी से हो नहीं पा रहा है, तो हम अपने कम्युनिटी मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से करने की कोशिश करते हैं। और हर स्टेट में आई थिंक अलग रूल्स और पॉलिसीज हैं। ये मानती हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशन में कोविड का टेस्ट मांगना वो हॉस्पिटल से गलत बात होगी, बट इलेक्टिव में हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड का टेस्ट मांग रहा है। पेशेंट के पास भी टाइम है तो वो अलग बात है, बट इमरजेंसी में सब पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव ही ट्रीट करना चाहिए क्योंकि पेशेंट के पास वक्त नहीं है कोविड टेस्ट करके जांच करवाने की। तो ये एक बात है, आपको कुछ अगर पूछना नहीं है और तो मैं स्मृति और अरुण को हैंड ओवर करती हूँ। आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना है जिसके बारे में स्मृति और अरुण बताएंगे। थैंक यू अरुण, थैंक यू रजनी, दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड सेशन। एंड अभी लॉग आउट करने के पहले एक पोल आपके स्क्रीन पर अपीयर होगा, वो प्लीज़ ज़रूर फिल करें। एंड ऑल्सो देर आर अबाउट 15 पीपल, 15 लोग हैं शायद जिनका नाम डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो हम लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे जब तक आपका अटेंडेंस ना रिकॉर्ड हो ठीक से। तो ये जो
आपके डिवाइसेस पर जिनके डिवाइस नेम्स लिखे हैं प्लीज आप अपना नाम एंटर करिए चैट बॉक्स में बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्टिफिकेशन. थैंक यू सो मच. कल का सेशन सिम्टम कंट्रोल के बारे में है एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर अ लॉट ऑफ यू एंड आवर को फैसिलिटेटर टुमारो इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड नर्स जो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे नर्सेज हैं. तो कल हमारी को फैसिलिटेटर सिस्टर स्टेला बहुत एक्सपीरियंस नर्स है वो क्वेश्चंस लेंगी एंड देन यू कैन एड्रेस हर एज वेल. सो थैंक यू ऑल वेरी मच एंड सी यू टुमारो.